अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल हैं आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, बल्कि मेरी बात माने तो आप लोग अभी वीडियो को पॉज करें और अपने लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स और जूस लेकर आएँ और साथ साथ मेरी वीडियो देखते जाएँ, क्योंकि इस वीडियो को देख के आपके मुँह में बहुत पानी आने वाला है। बहुत यमी वीडियो है ये। और जी आज का व्लॉग है लाल किला का। तो आज हमारी जो है दावत थी लाल किला रेस्टोरेंट में। और जी ये है लाल किला का ऊपर का व्यू, यानी कि टॉप व्यू। तो जी हम लोग आज आए हैं लाल किला की हाई टी लेने, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि लाल किला की हाई टी में क्या क्या मेन्यू है और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी ये देखें यहाँ तैयार हो रहे हैं नूडल्स। और जी जब हम आए थे तो काफ़ी टाइम था हाई टी स्टार्ट होने में, यहाँ पर तैयारी वगैरह चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शूट कर लूँ। और ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के नूडल्स तैयार हो रहे हैं, बहुत मज़े के थे ये, बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छे बने हुए थे। और इनकी एक अच्छी बात ये कि ये सब चीज़ें आपके सामने बना रहे हैं और सफाई सुथराई का भी ख़ास ख्याल रख रहे हैं। ये है चिकन सैंडविच। चिकन सैंडविच भी बहुत ज़बरदस्त थे। अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि जो ये चिकन सैंडविच मिनी बर्गर्स मिनी पिज़्ज़ास होते हैं ये टेस्टलेस होते हैं। लाल किला में आपको नो डाउट टेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट है लाल किला की हर डिश का। और जी ये है फ्राइड प्रॉन्स, ये भी बहुत मज़े के थे, यानी कि मतलब आप कहने बेस्ट थे यहाँ के ना। ये फ्राइड प्रॉन्स मुझे तो बहुत पसंद आए, वरना अक्सर मुझे प्रॉन्स में से ही खाती है और मैं प्रॉन्स इतने शौक से खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के प्रॉन्स बहुत अच्छे लगे। और जी यहाँ पर तैयार हो रहे हैं लाइफ नान, और मुझे तो गरम गरम नान बहुत पसंद है, तो ये तंदूर में डाल रहे हैं। देखें किस तरह से ये हर चीज़ इन्होंने इतने सलीके से रखी हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और जी ये है चिकन कॉर्न सूप, जो कि बहुत मज़े का था यहाँ का, मुझे बहुत पसंद आया। और ये दही बड़े, ये दही बड़े मैंने ट्राई नहीं किए। ये हर चीज़ के साथ उसके लवाजमात भी मौजूद हैं, जैसे कि देखें आप दही बड़ों के साथ चाट मसाला, और ये चिकन विंग्स के साथ इसकी सॉस मौजूद है। लेकिन मुझे ये चिकन विंग्स इतने ख़ास नहीं लगे, क्योंकि ये सॉस डालने के बाद इतने मीठे हो गए थे और मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आए। तो जी एक ये पहली डिश मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे पसंद नहीं आई, चिकन विंग्स, वरना आप कहेंगे तो हर चीज़ को यही कह रही है कि बहुत अच्छी थी, बहुत मज़े की थी। और जी फिर हम चलते हैं आगे शाही हलीम की तरफ। ओए होए शाही हलीम बहुत डिलीशियस, बहुत अच्छी। और इसके साथ एक ख़ास बात मुझे ये लगी कि हर चीज़ थी, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। अच्छा जी ये देखें आप, इसके साथ यहाँ पर चाट मसाला, फ्राइड ऑनियन, जिंजर और लीमू, हरी मिर्च, हर चीज़ थी, हर चीज़ मौजूद थी, बहुत अच्छी यहाँ पे, मतलब आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, अच्छी हाई टी है बहुत। और यही अनियन रिंग्स, ये भी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ आलू के पकौड़े भी तैयार हो रहे हैं, यहाँ सॉस है इसके साथ, चीज़ सॉस, गार्लिक सॉस, ये हलवा, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं खा सके, नहीं ट्राई कर सके, क्योंकि इतने सारे खाने होते हैं तो देख देख के भी दिल भर जाता है। और जी ये देखें बर्गर्स, और ये मैंने लिया था थोड़ी सी चाउमीन और कुछ प्रॉन्स वगैरह। और ये देखें लगा हुआ था गोलगप्पे का स्टॉल, और यहाँ गोलगप्पे के साथ हर किस्म का पानी था, जिसके पाइनएप्पल का पानी, इमली का पानी, चॉकलेट का पानी, और इतने मज़े के क्रिस्पी गोलगप्पे ये बना के दे देते। और जी बहुत मज़े के थे गोलगप्पे, मुझे तो बहुत पसंद आए। ये देखें यहाँ तैयार हो रहे हैं फ्राइड राइस, और जी ये बना रहे हैं आप पालक पनीर। हर चीज़ जो है वो आपके सामने लाइव तैयार हो रही होगी, आप विज़िट करें, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत ज़बरदस्त, आपको यहाँ का टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा।
और फिर देखें यहाँ पे इन्होंने फ्राइड राइस के साथ शाशलिक वगैरह बनाने की या मंचूरियन बनाने की तैयारी कर ली है, जिसमें इन्होंने शिमला मिर्च और मोटे मोटे गार्लिक बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐड की थी। और ये देखें ये फ्राइड राइस इन्होंने डिश आउट कर दिए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सैलेड और डेजर्ट के सेक्शन में। तो यहाँ पे हर किस्म की, बहुत किस्म की सैलेड्स थी। देखें कितनी माशाल्लाह से कलरफुल सैलेड्स हैं। और ये देखें ये सऊदी हुमस, ये तो मैंने ट्राई नहीं किया। और ये सैलेड और ये सारी सॉसेस वगैरह थोड़ी थोड़ी ट्राई की थी, लेकिन मतलब इनका टेस्ट जो है नॉर्मल था, इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था। ये देखें लेकिन जो इन्होंने जिस तरह से इन्होंने सजाया हुआ है, जिस तरह से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, तो उसके लिए तो इनको 100 out of 100 मिलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सब कुछ मैनेज किया हुआ है। और ऐसी हाई टी मुझे नहीं लगता कि कहीं होगी, क्योंकि जितने आइटम्स हाई टी में लाल किला वाले दे रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखें यहाँ हर किस्म की सॉस, रायता, रेड चिली सॉस, और ये शुगर फ्री मीठा भी था। और ये देखें ये था सारी पुडिंग्स वगैरह। और सबसे अच्छा जो था ये मुझे नाम नहीं आ रहा, क्या नाम था हाँ शाही टुकड़े, शाही टुकड़े बहुत ज़बरदस्त है। और जी ये केक, यहाँ पर अभी रेड वेलवेट केक है नहीं, लेकिन वो आ गया था, मैंने वो ट्राई किया था तो मुझे वो काफ़ी पसंद आया था, वो बहुत अच्छा था। अब देखें यहाँ इन्होंने रखी हुई है चना चाट की चीज़ें, जिसमें हैं छोले, आलू, दही और इमली की चटनी, मीठी चटनी और आलू बुखारे की चटनी, बहुत सारी चटनियाँ थी। और ये देखें टोमेटो, लीमू और प्याज, टमाटर, हर चीज़ थी। बहुत मज़े की चाट इनकी बनी, मैं बनाकर लाई थी। और ये मैंने दिया था डेजर्ट में रेड वेलवेट केक और कुछ थोड़े से केक्स वगैरह, और जी आइसक्रीम वगैरह भी थी, जूसेस भी थे, हर चीज़ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और यहाँ ये आज़ीन जो है ये जोकर अंकल से डर गई थी। यहाँ ये एक बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही थी, और ये बहुत ही फ़नी तरीके से लाल किला वाले बर्थडे विश करते हैं। और ये देखें ये एक बड़ी सी तलवार टाइप की नाइफ लेकर आए थे, और बच्चा इससे केक कट कर रहा था। और यहाँ ये जो टॉय है ये जोकर अंकल ने मेरे बेबी को दिया था, जो अरीब से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे माशाल्लाह से। अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। और जी ये जो अंकल हैं ये शेर व शायरी कर रहे थे यहाँ पे, इन्होंने बहुत मज़े मज़े के शेर सुनाए हमें। और रोशन है ये नजर के चमकते हुए सितारे, असर चांद में तुम्हें देखकर बारिश हो गया, ये रिमोट मिली अभी अभी। एक शहर सा वैसे तो खामोश बैठे हैं, बहुत पसंद आएगा ये हमारा दावा, खबर है कि हम इस पर गौर करने में कट रही है। ये उदासी हमारे किस्म से किस खुशी में बढ़ रही है, और मोहतरम कह रहे हैं कि मैं उससे हर रोज यही एक झूठ सुनने को फोन करता हूँ। सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज रह रही है। बड़ी घर की शान बेटी से और महकता रहता है दिलों का जहां इन्हीं बेटी से, ये जरूरी नहीं कि मैं तुम से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला मानना है। मेहमान मेरे खाले पसंद आए हूँ, कुछ तालियों कहता हूँ जी, इतना तो बनता है।
जी ये था हमारा लाल किला का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।